बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ऐसा मैं कहता हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बैक का वर्कआउट। पुल अप करेंगे, डेडलिफ्ट करेंगे एंड लोअर बैक करेंगे। सब करेंगे स्ट्रेच करने के बाद। तो स्ट्रेचिंग चालू करते हैं अभी फ़िलहाल, फिर तगड़ा वर्कआउट करेंगे आज। एक्चुअली मैं काफी महीनों बाद पुल अप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम हो रहे हैं। अभी हम चालू करेंगे डेडलिफ्ट। 100 डेडलिफ्ट मारूंगा मैं, उसके बाद लोअर बैक मारूंगा। तो आज का बैक का तगड़ा वर्कआउट ख़त्म हो गया। वही प्रोटीन पीते हैं, फिर देखते हैं। अब लंच ही करेंगे डायरेक्टली, ब्रेकफास्ट तो होगा नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है। देखते क्या होता, क्या होता। तो इतना तगड़ा वर्कआउट करने के बाद अभी मैं पीऊँगा प्रोटीन, उसके बाद मैं नहाऊँगा, नहाने के बाद डायरेक्ट लंच, उसके बाद मैं आप लोगों को आज एक चीज़ खाऊँगा बहुत ही स्पेशल। चलो फिलहाल मैं नहाता हूँ एंड प्रोटीन पीते पीते मुंबई के निखिल के ब्लॉग्स भी देखता हूँ, बिकॉज एज यू नो मुंबई के निखिल के ब्लॉग देखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं एमएस के ब्लॉग्स। आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरी हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी। ये स्टोरी है उन, उसके बाद प्रोटीन भी पीते हैं, देन मुंबई के निखिल के ब्लॉग्स भी देखते हैं। मूवी आई थी V.H.S, हॉरर मूवी है, उस टाइम देखने की हिम्मत नहीं की थी और बहुत कंट्रीज में बैन भी हो गई थी। अभी तो अभी मैंने नहा लिया है, अभी जाके मैं लंच करता हूँ, भूख भी बहुत लगी है। उसके बाद मैं आप लोगों का आज एक स्पेशल सा चीज़ दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको मेरी एक छोटी सी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने एक ऑयल ड्रम को एक मस्त सा स्टोरेज में कन्वर्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वाइट पेंट, सम मार्कर्स, वेल्डिंग एंड 4 व्हील्स, स्मॉल व्हील्स। अब देखिए आप, पहले तो मैंने इस स्टोरेज को इस ऑयल ड्रम को काटा है बीच में से, उसके बाद इसको वेल्डिंग करके यहाँ पे मैंने स्टोरेज स्टेप लगाया हुआ है जहाँ पे मैं सामान रख सकता हूँ। नीचे मैंने व्हील्स लगाए हुए हैं, इसको पेंट करके मैंने मार्कर से डिज़ाइन किया हुआ है। इसका सिनेमेटिक व्यू में मैं आपको दे दूँगा।
अभी हमारे बिग बॉस मोदी जी आएंगे वापस एंड देन हमें कुछ टास्क देंगे। मुझे लिटरली बिग बॉस के कंसिस्टेंट जैसा ही फीलिंग आ रही है। हालांकि मुझे बिग बॉस बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं, बट फीलिंग अभी वैसी ही आ रही है कि हम है बिग बॉस के कंसिस्टेंट एंड हमारे बिग बॉस है मोदी जी। देखते आज क्या बोलते हैं। बस इतना सा फ़र्क है कि हम उनके घर पे नहीं, अपने घर पे है। वैसे तो आज पूरी इंडिया ही उनके उनका ही घर है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो भी कर रहे हैं सही के लिए कर रहे हैं। देखते क्या होता है, क्या टास्क मिलता है, वेट कर रहे हैं हम बस। और 1 आवर 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे हमारे बिग बॉस। तो अभी मुझे लग रही है बहुत खतरनाक भूख, तो अभी इस भूख को मिटाने का इंतज़ाम आज मैं ही करूँगा। आज शाम का नाश्ता मैं बनाऊँगा। चलो आप लोगों को दिखाते हैं क्या बनाऊँगा। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। तो यहाँ पे मैं नमक, पहले तो पानी डाला है, फिर नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, फिर ये जिंजर पाउडर डाला है और सूजी डाली है। अभी इसको मैश करना है अच्छे से। फिर मैंने इसको इस तरह से टिक्की बना लिया, टिक्की। शाम का नाश्ता बहुत बढ़िया था, YouTube देख के बहुत बढ़िया बनाया था। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाय, नमस्ते, टेक केयर, जय श्री राम। तो आप लोग कल के वीडियो के लिए वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, बताओ कि और क्या क्या करना चाहिए मुझे, बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं बनाऊंगा और एंटरटेनमेंट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करूंगा। बस आप लोग लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो।